हाय एवरीवन, रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के लिए शादियों पार्टियों में बनने वाली बहुत ही स्पेशल सब्जी कटहल के कोफ्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। इसे जैकफ्रूट का कोफ्ता भी कहते हैं। ये शादी पार्टी में अक्सर आप लोग देखते होंगे कि ये ज़रूर से बनाया जाता है। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी सब्ज़ी होती है और इसे आज मैं ऐसे कुछ खास ट्रिक के साथ बताने वाली हूँ, जिसे यूज़ करके आपके भी कोफ्ते बिल्कुल हलवाइयों के जैसे ही बनेगी। बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि कोफ्ते बनाती हूँ तो कोफ्ते सॉफ्ट नहीं बनते हैं, तो आज इसका सॉल्यूशन मैं इस रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए झट से मैं बनाना स्टार्ट करती हूँ। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम कटहल लिए, जिसके छिलके मैंने हटा लिए हैं। ये भी आपको थोड़ी सी काली काली दिख रही होगी, तो कटहल काटने के बाद थोड़ी सी इसमें कालापन आ ही जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसे मैं बॉईल कर लेती हूँ। बॉईल करने के बाद इसका कालापन दूर हो जाएगा। यहाँ पे मैं 2 मीडियम साइज़ के आलू ले रही हूँ। अभी आपको पता चल जाएगा कि मैं ये आलू क्यों ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे कुकर में 2 गिलास पानी रख दिया है और इसमें मैं आलू और कटहल दोनों को डाल देती हूँ और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देती हूँ और इसे 4 विसल आने तक वेट कर लूँगी। तो हमारे कुकर में 4 विसल्स आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे कुछ मसाले ले रखे हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 हरी मिर्च, 5 लहसुन की कलियाँ और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इन सबको आप कद्दूकस भी कर सकते हैं और ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो मैंने टमाटर को छोड़ करके बाकी सारे मसालों को मिक्सर में एक बार थोड़ा सा दरदरा सा ग्राइंड कर लिया। बहुत ज़्यादा फाइन पेस्ट नहीं बनाना है, बस दरदरा कर लेना है। टमाटर को मैंने बारीकी से चॉप कर लिया। तो हमारे कुकर में विसल्स आ चुकी है तो इसे मैं बाहर निकाल लेती हूँ। देखिए हमारी कटहल और आलू दोनों अच्छे से कुक हो चुकी है। तो आप देख रहे हैं ना, अब ये बिल्कुल भी काली काली सी नहीं दिख रही है। अब आप सोच रहे हैं कि ये कटहल के कोफ्ते में आलू का क्या काम है। तो आलू मैं इसलिए ले रही हूँ कि बहुत से लोग बोलते हैं कि कटहल का कोफ्ता जब बनाती हूँ तो थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो अगर आप कटहल का कोफ्ता बनाते समय उसमें 1 या 2 पीस आलू ऐड कर देंगे तो आपके कोफ्ते कभी भी हार्ड नहीं होंगे, बल्कि इतने सॉफ्ट और इतने क्रंची होंगे कि आप यकीन नहीं करेंगे। तो मैंने यहाँ पर एक मैसर ले लिया और मैसर की मदद से मैं इन सबको अच्छे से मैश कर लूँगी। तो मैं इसे मैश कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैंने बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे कटहल और आलू को मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पे मैं कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। आधा छोटी चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, और अब मैं डाल रही हूँ आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा छोटा चम्मच भुने जीरे का पाउडर, थोड़ी सी गर्म मसाला पाउडर और 2 चम्मच मैं यहाँ पे बेसन ऐड कर दूँगी। बेसन हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, क्योंकि ये बेसन की मैं सब्ज़ी नहीं बना रही, मैं कटहल का कोफ्ता बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इसे बाइंडिंग देने के लिए, एक अच्छी सी बाइंडिंग देने के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही चम्मच बेसन का यूज़ किया है। यहाँ पर मैं आधी प्याज को बारीक चॉप करके ऐड कर देती हूँ, इससे अच्छा फ्लेवर आ जाता है। अब इसे अच्छे से बिना पानी दिए हुए इन सारे मसालों को बेसन के साथ मिक्स कर लेती हूँ। पानी मुझे बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है, क्योंकि पानी ऐड करने के बाद ये थोड़ी सी गीली हो जाएगी। तो मैंने इसे बिना पानी के ही, अच्छे से देख सकते हैं मैंने इसे डो तैयार कर लिया है। अब मैं हाथों पे तेल लगा लूँगी और इस डो से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लूँगी। बॉल्स बनाते समय आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, बॉल्स को बहुत ज़्यादा प्रेस करके मत बनाइएगा। बॉल्स बिल्कुल हल्के हाथों से ही बनाइएगा, तो आप जब कोफ्ते को तलेंगे ना तो कोफ्ते बहुत ही फ्लफी बनेंगे, बहुत ही हल्की बनेंगे। तो प्रेस बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना कोफ्ते हार्ड हो जाएंगे। तो बिल्कुल हल्के हाथों से बहुत ही आसानी से ये बन रही है। तो ये देखिए मैंने सारे बॉल्स को बनाकर रेडी कर लिए हैं। इसे बनाने में कोई भी झंझट नहीं है। अब हमारी कढ़ाई में तेल गर्म हो चुकी है तो मैं एक एक करके सारे बॉल्स को इसमें ट्रांसफ़र कर देती हूँ। और फ्लेम को मैंने बिल्कुल ही लो टू मीडियम ही रखा है, क्योंकि हाई फ्लेम पे ना सिर्फ बाहर से जल जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी, तो उस तरीके से मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैंने फ्लेम को बिल्कुल ही लो कर दिया है और लो फ्लेम पर मैं इसे
डीप फ्राई करूँगी। डीप फ्राई पे जब भी कोई भी चीज़ कुक होती है ना तो बाहर के साथ साथ अंदर भी अच्छे से कुक हो जाती है। तो मैं यहाँ पे लो फ्लेम पे इसे कुछ देर के लिए तल लेती हूँ जब तक इसका कलर बिल्कुल गोल्डन ना हो जाए। तो इसे हल्के हाथों से कलछी की मदद से मैं उलट पलट कर लेती हूँ ताकि ये चारों साइड से अच्छे से सिक जाए। हमारे कोफ्ते बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है तो आप थोड़ा अच्छे से स्पैचुला की मदद से आप इसे इधर से उधर कीजिएगा ताकि ये टूट ना जाए। जब ये अच्छे से तल जाएगी तो ये बाहर से बहुत ही क्रंची और अंदर से सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये देखिए हमारे कोफ्ते का कलर बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। अब मैं इसे ऑयल से बाहर निकाल लेती हूँ। ये कोफ्ते मैं बिल्कुल हलवाइयों के जैसी, रेस्टोरेंट के जैसी आपको बनाने के लिए बता रही हूँ। तो इस कोफ्ते में सबसे बढ़िया जान डालने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ करूँगी कुछ खड़े मसाले। जी हाँ, रेस्टोरेंट में, ढाबा में या शादी पार्टी में हलवाई लोग जब भी कोई भी सब्जी वगैरह बनाते हैं या कोफ्ता बनाते हैं तो वो लोग सब तेल में ना खड़े मसाले को ही यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे बाकी एक्स्ट्रा बचे हुए ऑयल को निकाल लेती हूँ और उसी में मैं 4 चम्मच ऑयल छोड़ देती हूँ। अब यहाँ पे मैं कुछ खड़े मसाले ले रही हूँ जिसमें 2 तेज़पत्ता, 1 चम्मच जीरा, 4 काली मिर्च, 2 लौंग और 2 इलायची मैंने लिए हैं। फ्लेम को मैंने लो ही रखा है ताकि हमारे मसाले जल ना जाए। मसाले थोड़े से भून जाएंगे तो मैंने अदरक, लहसुन, प्याज और मिर्चा का जो पेस्ट बना करके रखा था उसे मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अब बस इस मसालों को मुझे गोल्डन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। ये सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनती है। एक बार इस तरीके से आप बनाओगे तो लोग खाने के साथ साथ उंगलियां भी चाटेंगे प्लस आपकी तारीफ भी करेंगे। तो ये देखिए हमारे मसाले भून रहे हैं। अभी इसे भूनने में थोड़ी सी टाइम है तो इसे लगातार चलाते हुए मैं है इसे कुक कर रही हूँ। अब देखिए इसका कलर गोल्डन हो चुका है। तो इस यहाँ पे मैंने जो टमाटर कट के रखे थे ना उसे मैं ऐड कर दूँगी और टमाटर को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। टमाटर मैंने इसलिए नहीं प्यूरी बनाई है क्योंकि टमाटर ऑलरेडी गल जाती है सब्ज़ी के साथ जब भूनती है। तो यहाँ पे मैं अब कुछ मसाले और नमक ऐड कर देती हूँ। तो ये देखिए मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। नमक डालने से हमारे मसाले जल्दी से भुन जाती है। अब यहाँ पे मैं आधा छोटी चम्मच हल्दी का पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच धनिया का पाउडर, 1 चम्मच मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अब आधी छोटी चम्मच भुने जीरे का पाउडर और बस इस मसालों के साथ मैं इसे अच्छे से मिक्स कर दूंगी। अब इस स्टेज पे मैं यहाँ पे 1/2 कप पानी ऐड कर दूंगी ताकि मसाले अच्छे से कुक हो जाए और जले भी ना। देख सकते हैं मसाले से तेल रिलीज़ हो चुकी है चारों साइड से, यानी हमारे मसाले अच्छे से कुक हो चुके हैं। बट अभी मैं यहाँ पे थोड़ी सी पानी ऐड कर रही हूँ ताकि मसाले और भी अच्छे तरीके से कुक हो जाए, वरना लहसुन जब तक अच्छे से कुक नहीं होती है ना तो उससे एक अलग सा फ्लेवर आने लगता है सब्ज़ी से। इसलिए जब भी मैं लहसुन सब्ज़ी में ऐड करती हूँ तो इसे मैं पानी डालकर थोड़ा अच्छे से कुक कर लेती हूँ ताकि इस मसाले की कच्चापन दूर हो जाए। तो इसी तरीके से मैं भी इसे चला रही हूँ। अब मैं यहाँ पर थोड़ी सी पानी ऐड कर देती हूँ और मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करूँगी क्योंकि इसमें ग्रेवी अच्छी नहीं लगती है। अब मैं 1/2 छोटी चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऊपर से ऐड कर रही हूँ और 1 चम्मच मैंने कसूरी मेथी को हाथों की मदद से क्रश करके इसमें डाल दी है। अब तो इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आ रहा है, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कि मेरे तो मुँह में पानी आ रहा है। आज आपको सब्ज़ी का कलर कुछ डिफरेंट दिख रहा होगा तो बट मैं अब आपको बता देती हूँ कि मेरे मोबाइल का कैमरा थोड़ा ख़राब हो चुका है
जिसके वजह से आपको कलर थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा। तो टेंशन आप बिल्कुल भी मत लीजिएगा, आप इसी तरीके से सब्जी बनाइएगा। हमारे ग्रेवी में उबाल आ चुकी है अच्छे से, तो मैंने जो कोफ्ते तैयार करके रखे थे उसे मैं ग्रेवी में ऐड कर देती हूँ और इसे एक उबाल अच्छे से आने देती हूँ ताकि कोफ्ते में ग्रेवी अच्छे से ऑब्जर्व हो जाए और सब्ज़ी का कलर बहुत ही प्यारा आया और फ्लेवर तो इतनी अच्छी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आप इसे बना कर ही ट्राई कीजिएगा, उसके बाद आप हमें बताइएगा कि इसकी फ़्लेवर कैसी आ रही है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनती है। इसे आप गर्मा गर्म पूड़ी, रोटी, चावल या पराठा किसी भी चीज़ के साथ आप इसे सर्व कर सकते हो। तो इस तरह की चटपटी और यूनिक रेसिपी देखने के लिए लगातार हमारे वीडियो पे बने रहे। वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा, हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो ये सब्ज़ी देखिए, कोफ्ते बहुत ही सॉफ्ट बने, बहुत ही सॉफ्ट है। आप यकीन नहीं करोगे कि ये सब्ज़ी आपने घर पर खुद अपने हाथों से बनाई है। तो इस तरह के और भी वीडियो देखने के लिए लगातार हमारे चैनल पे बने रहिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय।